लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि आज है शुक्रवार, आज मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं। आज से लेके 1 मंथ तक मैं अपने हेयर के साथ क्या क्या करती हूँ, क्या क्या अप्लाई करती हूँ, कौन सी रेमेडी लगाती हूँ, जिस दिन रेमेडी यूज़ नहीं करती हूँ, जिस दिन हेयर वॉश नहीं करती हूँ, मतलब कि फुल हेयर केयर रूटीन मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ शेयर करूँगी। आज शुक्रवार है, शुक्रवार से स्टार्ट कर दिया है मैंने। हर रोज़ हेयर के ऊपर आपको मेरी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, या तो दोपहर के 1 बजे वीडियो पब्लिश होती है या फिर रात को 10 बजे, 2 टाइम है। ओके, हर रोज़ आपको हर रोज़ वीडियो मिलेंगी हेयर की, या तो 1 बजे मिल सकती है या रात को 10 बजे, मतलब कि 1 मंथ तक जो जो मैं करूँगी वही वही आपको करना है। अब आप मुझे हर रोज़ हर वीक आपका जो रिजल्ट है वो मेरे साथ शेयर करेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में आके, या कमेंट सेक्शन में मतलब कि कई बार मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, ज़रूर मैं आंसर देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपका जो रिजल्ट है, जो भी फीडबैक है, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं, और साथ के साथ मैं भी बताती रहूँगी कि मुझे कितना इफ़ेक्ट मिला है। हम कुछ न्यू रेमेडी ट्राई करेंगे, और कुछ रेमेडी जो मैं खुद रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ, मतलब आपको वही सब करना होगा। जैसे आज शुक्रवार है, जो मैंने किया है वो आपको भी करना पड़ेगा, शनिवार है जो मैं कर रही हूँ वो आपको भी करना पड़ेगा, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना हो कि जो मैं ट्राई करती हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ, और देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आज हम करने वाले हैं हेयर ऑयलिंग स्पा, मैंने आज हेयर वॉश करना है। जैसे कि शुक्रवार है, शुक्रवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो उससे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि आप बिना ऑयल लगा के अगर अपने हेयर को वॉश कर देंगे तो वो आपके हेयर ज़्यादा टूटेंगे, और आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाएगा, और डैमेज्ड आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो हेयर ऑयलिंग स्पा के बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, बाल स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपकी रूट स्ट्रोंग हो जाएंगी, हेयर फॉलिकल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, बाउंसी हेयर हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन आ जाएगी। और हेयर ऑयलिंग स्पा आपको कम से कम वीक में एक बार जरूर करना चाहिए, अगर आपके ड्राई डैमेज हेयर हैं तो। वैसे कोई भी इसको वीक में एक बार कर सकता है। हेयर ऑयलिंग स्पा इतने कमाल की चीज़ है जिससे आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है। जैसे अभी मैं करूँगी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, आपको खुद ही ये लगेगा वाह कितना मतलब अच्छा फील होता है आपके बालों को जब आप हेयर ऑयलिंग स्पा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, हेयर ऑयलिंग स्पा आपको कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक खाली बाउल, और जैसे ही आपको पता है कि मैं कौन से ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन रो कोकोनट ऑयल। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लेना है, जैसे मेरे लंबे बाल हैं तो मैं यहाँ पे कम से कम 3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की लूँगी। 3 चम्मच लेनी है आपको, जैसे बताया आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हेयर ऑयलिंग स्पा इतने कमाल की चीज़ है, जैसा कि आपको एक स्पा में रिजल्ट मिलता है, आपका हेयर फॉल रुक जाता है, स्कैल्प रिलैक्स, और आपको नींद अच्छी आएगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा या छूमंतर हो जाएगा। तो मैंने 3 चम्मच लिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। फिर मैं यहाँ पे लूँगी कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल जितना आपने दूसरे वाला ऑयल लिया है। और हाँ, आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल, आप चाहें तो आलमंड, आप चाहें तो ओलिव ऑयल, आप चाहें तो सरसों ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल की जगह, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल ही लूँगी। तो मैंने 3 चम्मच लिया है कोकोनट ऑयल का, और मैं यहाँ पे 1 चम्मच लूँगी कैस्टर ऑयल का। अगर आप ये वाले ऑयल लेना चाहते हैं तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कैस्टर ऑयल 1 चम्मच क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच। ओके, 1 चम्मच लेके अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको मैं करके लेके आऊँगी डबल बॉइलिंग प्रोसेस से, हल्का हल्का गुनगुना, क्योंकि जब आप गुनगुने ऑयल के साथ मसाज करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट आपकी स्कैल्प को मिलने वाले हैं, आपके हेयर को मिलने वाले हैं। तो मैं इसको हल्का सा गुनगुना सा गर्म कर, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। फिर मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ कम से कम 4 चम्मच एलोवेरा जेल, और ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, पैकिंग वाला नहीं लिया है। आपको पता ही है जब भी हेयर की बात आती है तो मैं नेचुरल लीफ वाला एलोवेरा जेल ही
लेना पसंद करती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है सभी को, बिल्कुल अच्छे से कम 2 या 3 मिनट तो लगेंगे आपको इसे अच्छे से मिक्स करने में। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर आपको खोलने हैं बाल, और बाल खोलने के बाद आपको इन्हें अच्छे से सुलझा लेना है। अब देखिए, मैं इसको दिन में यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे से ना रात में ऑयल लगा के नहीं सोया जाता, बिल्कुल चिपचिपा, और वैसे ही मेरी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है और ऑयल मेरे फेस पे आ जाता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है रात में ऑयल लगा के सोना। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको रात में लगाइए, चोटी बना के सोइए और नेक्स्ट डे शैम्पू कर दीजिए। बड़े अमेजिंग, बड़े कमाल के आपके हेयर होने वाले हैं। और जिन लड़कियों को अक्सर जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, हर टाइम पसीना आता है जिनको, और पसीना आने से क्या है, हमारे जो पोर हैं खुल जाएंगे, उनके अंदर डर्ट मिट्टी सब चला जाएगा, तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप ये हेयर ऑयलिंग स्पा करते हैं वीक में एक बार, तो आपको हेयर फॉलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल है तो वो भी हल्का हल्का कम हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं। जब आप इसको यूज करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बालों में जो है वो कॉम कर लेना है, और मैं यहाँ पे अपने बाल 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे कर लिए हैं मैंने, और फिर आपको क्या करना है, मैंने अपने बाल पहले ही सुलझा लिए थे, तो यार एक तो बैठ के वीडियो बना रही हूँ, नीचे आ रहे हैं। तो अच्छे से आपको क्या करना है, स्कैल्प से आपको लगाना स्टार्ट करना है, जैसे 2 पार्ट में। फिर आपको क्या करना है, अलग से आपको 1 पार्ट और कर लेना है, ठीक है। तो आपको लगाना इसको शुरू करना है स्कैल्प से, फिर आपको अपने हेयर पे, रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और लेंथ पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि स्पा में ऐसा ही तो होता है ना कि आपको बिल्कुल हर एक बाल के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छे से आपको ऑयल लगाना है हर एक बाल पे, बिल्कुल अच्छे से स्कैल्प से लेके हेयर की लेंथ तक। और फिर जैसे आपने ए थोड़े से पार्ट पे आपने ऑयल लगाया, फिर आपको करना है कॉम, क्योंकि हम यहाँ पे हेयर ऑयल स्पा कर रहे हैं, ताकि कॉम करने से क्या होगा, ताकि जो कोई भी बाल छूट गया है जिस पे ऑयल नहीं लगा है उस पे अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, साथ के साथ कॉम करते रहना है, ठीक है ना। देखिए मेरे कितना ऑयल लगा है ना। फिर आपको करना है सेकंड पार्ट लेना है, और फिर आपको इसी तरीके से स्पा करना है, ऑयल लगाना है आपको स्कैल्प से लेते हुए। फिर आपको ऐसे लगाना है, फुल लेंथ पे आपको लगाना है। आपको पहले कॉम कर लेना है, कॉम करके करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो फिर लगा लिया जैसे, और फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से कॉम करना है ताकि सभी बालों पे अच्छे से लगे। तो मैं अपने पूरे बालों पे ऐसे ही लगाऊंगी, सेम ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे बैठ के लगाऊंगी तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको लगा के और फिर मिलती हूँ। लेकिन आपको सभी बालों पे ऐसे, मैंने हर एक बाल पे लगा लिया है, आप देख सकते हैं, कॉम भी कर लिया है और ये खाली हो चुका है। फिर जैसे ही आप ऑयल लगाएंगे तो अच्छे से आपको अपनी स्कैल्प पे जो है कॉम करना है, अच्छे से कॉम करना है। ये देखिए, तो
क्योंकि जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी स्कैल्प हैं, आपके अंदर तक जो ऑयल हमने लगाया है उसके सारे बेनिफिट अंदर तक जाएंगे और आपके हेयर की लगभग सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म। और फिर आपको अपने हेयर पे करना है कॉम, अच्छे से कॉम करना है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसे रात में लगाना है, आपको अगर अच्छा बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, आप दो चोटी बना सकते हैं मेरी तरह, या फिर आप एक चोटी बना के भी सो सकते हैं। ये हेयर ऑयलिंग स्पा इतनी कमाल की चीज़ है, आपको रिलैक्स करेगा और आपके हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम है, ऑयलीनेस है, पसीने के कारण हेयर फॉल हो रहा है, जिस भी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, दो मुँह है बालों की प्रॉब्लम है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, एक बार ये वाला हेयर ऑयल स्पा करके देखें। वीक में एक बार या फिर महीने में दो बार भी आप इसको कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और अभी मैं इसको कम से कम 3 घंटे तो ज़रूर रखूँगी अपने हेयर पे और फिर मैं हेयर वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाऊँगी कि कितना अच्छा रिजल्ट इसको लगाने के बाद मिला है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं पूरी रात भर के लिए, इसको लगा के चोटी बना के सो जाइए और सुबह शैम्पू कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको शैम्पू। तो मैं हेयर वॉश यहाँ पे करके आ गई हूँ, हल्के से गिले हैं, ऑलरेडी बाल सूख भी चुके हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद जितना हेयर फॉल मेरा होता था उसे बहुत ज़्यादा कम हुआ है। एक एक बाल काफ़ी मैनेजेबल हो गया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, बिल्कुल सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, हेयर फॉल रुक जाता है और खिलखिला उठते हैं आपके बाल अगर आप इसको यूज करते हैं। तो इसको ज़रूर यूज करें, फीडबैक है मेरे साथ शेयर करें। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और हेयर सीरीज को आप जरूर